चुनाती हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने बाकायदा तफसील लिखी है कि किस किस मौके पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दखूल उल मस्जिद वल खुरूज मिन्हु, मस्जिद में दाखिल होते हुए या मस्जिद से निकलते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वत्तशहुद अत्तहियात में भी दुरूद शरीफ सब पढ़ते हैं। वरोयतुल मसाजिद, जब मस्जिद पर नजर पड़े तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दखूल उल अस्वाक, बाजार में दाखिल होते हुए दुरूद शरीफ पढ़े। दखूल उल बैत वल खुरूज मिन्हु, घर में दाखिल होते हुए घर से निकलते हुए भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नित्यानुल हाजा, अगर बंदा कोई बात भूल जाए, चीज रख के भूल जाए, बात भूल जाए, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वक्त अल फक्र, तंगदस्ती के वक्त में भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिल बिदायत फिल इल्म, और जब किताब पढ़ने बैठे उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिल बिदायत फिल खुतुब, जब खुतबा देना हो, बयान करना हो, तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। वल इंतहा मिन मजालिसिल इल्म, जब इल्म की मजलिस का इख्तिताम हो तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। फी लिका इल इख्वान, दो मुसलमान भाई आपस में मिले तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। फी मवादातिहिम व मफारकतिहिम, फिर मुदारसतन हदीस नबवी, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जो पढ़ाई जाए तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इन द तज़किरत ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा हो तो दुरूद शरीफ पढ़े। इन द ज़िक्र अस्हाबिही, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का तज़किरा हो, उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इन द ज़िक्र शैयुम मिन मआसिरिही, नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज का तज़किरा हो तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इन द दखूल अल मदीना, मदीना तैयबा में दाखिल होते भी पढ़े। और इन दल मरूर अला कवर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो मवाजे शरीफ पर तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ के फवायद क्या हैं, कुछ देर ये भी जरा सुन लीजिए। फरमाया इन्नहा सबबुन लिहिदायतिल मुसल्ली व हयात कल्बिही, दुरूद शरीफ के पढ़ने से दिल जिंदा होता है और पढ़ने वाले को अल्लाह हिदायत के ऊपर रखते हैं। इन्नहा सबबुन लिज़ियादत मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ के ज्यादा पढ़ने से नबी अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। इन्नहा सबबुन ले ज्यादत मोहब्बत अब्द ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है उस बंदे की मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक में भी ज्यादा हो जाती है। इन्नहा सबब कुर्बिल अब्द मिन रब्बिही यौमल क़ियामा, दुरूद शरीफ का ज्यादा पढ़ना क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब का सबब बनता है। इन्नहा अदाउन लिशैइन मिन हक़िही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के जो एहसानात हैं, दुरूद शरीफ का ज्यादा पढ़ना गोया उन एहसानात का बदला चुकाने वाली बात है। इन्नहा सबब किफायतिल्लाह अब्दहु मा अहम्महु, जो परेशानियां होती हैं दुरूद शरीफ के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत उन परेशानियों को खत्म कर देती हैं। इन्नहा सबब इजाबति दुआ, दुआ की कबूलियत का ये सबब होता है। इन्नहा सबब ज़कात व तहारत लिल मुसल्ली, जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है उसका दिल इससे साफ होता है, उसका नफ्स पाक होता है। और ऐसे आदमी को हदीस में पाक में फरमाया कि जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है वो बकील नहीं होता। फिर जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है वो क्यामत के दिन की हसरत से बच जाता है। और जो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है मलाए आला में उस बंदे की तारीफें बहुत होती हैं, और उसके उम्र में उसके वक्त में अल्लाह बरकतें अता फरमा देते हैं। और इन्नहा सबबन लितस्बीत कदम अल-अब्द अल-सिरात, जो बंदा दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है क्यामत के दिन पुल सिरात से गुजरते हुए उसके पांव उतने मजबूत होंगे, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ा होगा। और एक और बात,
इन्नहा सबबुन लिसकल कफतिल मीजान, कि ये दुरूद शरीफ मीजान के पलड़े के भारी होने का सबब बन जाएगा।